हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का IYS प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं अपनी डेली करंट अफेयर की क्लास, जिसमें हम कवर करेंगे PIB न्यूज़, फेमस न्यूज़पेपर लाइक दैनिक जागरण, हिंदू में जो भी न्यूज़ चर्चा में उसे हम कवर करेंगे, न्यूज़ ऑन एयर आकाशवाणी पर जो न्यूज़ चर्चा में उसे हम कवर करेंगे, नेशनल इंटरनेशनल डेज और ऑर्गेनाइजेशन जो इंपॉर्टेंट है उसे हम कवर करेंगे। चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, उससे हमें पता चलता है कि आपने वीडियो को पसंद किया है या नहीं। आप अपनी कोई भी क्वेरीज हो तो हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, टेलीग्राम हो या यूट्यूब चैनल पर हमसे पूछ सकते हैं। चलिए आज की पहली न्यूज़ देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस 14 फरवरी 2022 को मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस हर साल फरवरी के दूसरे सोमवार को मनाया जाता है। यह दिवस इंटरनेशनल ब्यूरो फॉर एपिलेप्सी और इंटरनेशनल लीग अगेंस्ट एपिलेप्सी द्वारा एक संयुक्त पहल है, इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे। यह दिन मिर्गी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है, जैसा कि यह क्या है और इसका इलाज कैसे किया जा सकता है। मिर्गी एक केंद्रीय तंत्रिका तंत्र न्यूरोलॉजिकल विकार है, जिसमें मस्तिष्क की गतिविधियाँ असामान्य हो जाती हैं। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। एपिडा ने 13 फरवरी 2022 को अपना 36वां स्थापना दिवस मनाया है। आपको पता होगा कि 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। कृषि उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपिडा ने 13 फरवरी 2022 को अपना 36वां स्थापना दिवस मनाया है। यह एक भारतीय शीर्ष निर्यात व्यापार संवर्धन सक्रिय सरकारी निकाय है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। याद रखिए, एपिडा का मुख्यालय पूछ लिया जाता है क्योंकि कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई है ये। एपिडा ने कृषि उत्पादों के निर्यात को 21-22 में इतने बिलियन डॉलर तक ले जाने के में सरकार का सक्रिय रूप से समर्थन किया, जो इसकी स्थापना वर्ष 1986 में 0.06 बिलियन डॉलर था और अब ये बढ़कर 26.67 बिलियन डॉलर हो चुका है। तो न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। 14 फरवरी 2022 को लॉन्च किए गए हैं इसरो PSLV C-52 उपग्रह, ठीक है, और इसके द्वारा कुछ सैटेलाइट लॉन्च की गई हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने 14 फरवरी 2022 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 3 उपग्रहों को लेकर ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यानी कि PSLV C-52 लॉन्च किया है। यह एक रडार इमेजिंग उपग्रह EOS-O4 को ले जा रहा था। अन्य 2 उपग्रह में IIST का एक विद्यार्थी उपग्रह InspireSat-1 और इसरो का एक प्रौद्योगिकी प्रदर्शक उपग्रह INS-2TD शामिल है। तो 3 उपग्रहों को इसे प्रक्षेपित किया गया है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-52 द्वारा, और ये 2022 का इसरो का पहला मिशन है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। बजाज ऑटो के पूर्व चेयरमैन पद्म भूषण राहुल बजाज जी का निधन हो चुका है। ये पद्म भूषण से सम्मानित थे, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। दिग्गज उद्योगपति और बजाज समूह के प्रमुख राहुल बजाज का 2022 में निधन हो गया। राहुल बजाज 1965 में बजाज समूह में शामिल हुए थे और 1968 में बजाज ऑटो के CEO बने थे। 1979 से 80 और 1999 से 200 के लिए कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के अध्यक्ष भी रहे ये CII के। यह भारत सरकार से पद्म भूषण सहित कई पुरस्कारों के प्राप्तकर्ता भी हैं, इसलिए न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। जर्मनी के राष्ट्रपति के रूप में पुनः चुने गए हैं फ्रैंक वाल्टर स्टीनमेयर। 13 फरवरी 2022 को फ्रैंक वाल्टर स्टीनमेयर जर्मनी के पूर्व राष्ट्रपति के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए चुने गए हैं। ये आप देख सकते हैं, 2017 से राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत हैं। पहले 2005 से 9 तक और फिर 13 से 17 तक विदेशी कार्य के मंत्री और साथ ही 7 से 9 के बीच जर्मनी के 22 चांसलर थे। ओलाफ स्कोल्ज अब जर्मनी की वर्तमान चांसलर हैं। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा के लिए फिलीपींस पहुंच गए हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर जी। आप देख सकते हैं एस जयशंकर जी विदेश मंत्री 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर 13 फरवरी 2022 को फिलीपींस पहुंच गए हैं। विदेश मंत्री के रूप में यह उनकी फिलीपींस की पहली यात्रा है। वह अपने समकक्ष फिलीपींस के विदेशी कार्यों के सचिव तियोदोरो एल लॉकेंस जूनियर के साथ बातचीत भी करेंगे। दोनों मंत्री द्विपक्षीय संबंधों में विकास की समीक्षा करेंगे, तो इसलिए न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। केंद्र ने 5 वर्षों के लिए 26,275 करोड़ की पुलिस आधुनिकीकरण योजनाओं को मंजूरी दे दी है। तो ये 5 साल का प्लान है, 21-22 से 25-26 तक चलेगा और बजट अलॉटमेंट इसके लिए कितनी है, 26,275 करोड़ रुपये। केंद्र सरकार ने 5
और वर्षों के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पुलिस बलों के आधुनिकीकरण और सुधार के लिए एक योजना को मंजूरी दी है। पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए 21-22 से 25-26 की अवधि के लिए इस योजना को मंजूर किया गया है। योजना में 26,275 करोड़ रुपये के कुल केंद्रीय वित्तीय परिव्यय के साथ सभी उपयोजनाएँ शामिल हैं। चलिए अप्रासंगिक योजनाएँ, चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। मनोज तिवारी बिहार के खादी ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। इससे पहले पंकज त्रिपाठी को बनाया गया था, अब मनोज तिवारी को बनाया गया है। भोजपुरी गायक और भाजपा नेता मनोज तिवारी खादी और बिहार के अन्य हस्तशिल्प के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। राज्य के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने, जो बीजेपी प्रवक्ता भी हैं, इन्होंने इसकी घोषणा की रही है। एक अभिनेता के रूप में मनोज तिवारी धरतीपुत्र, राजा ठाकुर, भोले शंकर, इंटरनेशनल दरोगा सहित कई फिल्मों का हिस्सा रह चुके हैं, इसलिए इनकी परिचय की जरूरत तो शायद है नहीं। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। राजस्थान के पोखरण में शुरू हुआ 4 दिवसीय मरुमरुस्थल विश्व प्रसिद्ध जैसलमेर रेगिस्तान महोत्सव, जिसे मरु उत्सव के नाम से भी जाना जाता है, फरवरी 2022 को पोखरण में शुरू हो चुका है। 4 दिवसीय उत्सव की शुरुआत पोखरण में एक जुलूस के साथ हुई, जहां विभिन्न झांकियों के माध्यम से मरु या रेगिस्तानी संस्कृति और परंपरा की विशिष्टता को प्रस्तुत किया गया। 15 फरवरी को आकर्षण का केंद्र कैमल पोलो मैच रहेगा और BSF कैमल टैटू शो भी आयोजित किया जाएगा। ठीक है, BSF कैमल्स पे टैटू बनाता है, उस शो को भी आयोजित किया जाएगा। तो न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि मरु उत्सव कहाँ पर शुरू किया गया है, राजस्थान के पोखरण में। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। कोटक लाइफ ने लॉन्च किया है कोटक फॉर्च्यून मैक्सिमाइजर लाइफ इंश्योरेंस प्लान। तो कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने, कोटक लाइफ ने कोटक फॉर्च्यून मैक्सिमाइजर लॉन्च की नई घोषणा की है। यह एक सीमित वेतन एंडाउमेंट प्लान है, जिसे ग्राहकों की आवश्यकता के अनुसार तैयार किया जा सकता है। योजना के तहत ग्राहकों के पास अपनी प्रीमियम राशि चलाने का विकल्प होता है और साथ ही 6 से 15 वर्षों के लिए अपनी प्रीमियम भुगतान अवधि का चयन करने और फिर जीवन भर के लाभ प्राप्त करने का भी विकल्प है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। सरकार ने चीनी मूल की 54 ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। भारत सरकार ने चीनी मूल की 54 ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया है। ये न्यूज़ आपने सुनी होगी। ज़्यादातर वे ऐप हैं जो खुद को रीब्रांड कर नामों के साथ भारत में फिर से लॉन्च की गई थी, क्योंकि आपको पता होगा इससे पहले भी भारत सरकार ने कुछ ऐप्स को प्रतिबंधित किया था, तो उन्होंने उन ऐप्स ने अपने आप को रीब्रांड करके फिर से इंडिया में लॉन्च कर दिया था, तो अब उन्हें भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। प्रतिबंधित गेम्स की सूची में सबसे बड़े नामों में से एक गरेना फ्री फायर इल्यूमिनेट है। कुछ अन्य प्रतिबंधित ऐप्स में ब्यूटी कैमरा, स्वीटी सेल्फ, HD म्यूजिक, MTV3 प्लेयर वगैरह हैं। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म द्वारा सैटेलाइट आधारित ब्रॉडबैंड हेतु संयुक्त उद्यम का गठन किया गया है। आप देख सकते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने घोषणा की है। जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड और SES एक वैश्विक सैटेलाइट आधारित कंटेंट कनेक्टिविटी समाधान प्रदाता ने उपग्रह आधारित ब्रॉडबैंड सेवाओं के उद्यम का गठन किया है। JB फर्म जियो स्पेस टेक्नोलॉजी लिमिटेड में जियो प्लेटफॉर्म का 51 और SEZ का SES का 49% हिस्सेदारी अपने पास रखेगा और संयुक्त उद्यम मल्टी ऑर्बिट स्पेस नेटवर्क का उपयोग करेगा। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। भारत के पहले बिजली भंडारण व्यवसाय के लिए अयाना और ग्रीनको के बीच साझेदारी हुई है। ठीक है, तो नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड अयाना रिन्यूएबल पावर प्राइवेट लिमिटेड ने हैदराबाद स्थित ग्रीनको ग्रुप के साथ साझेदारी की है। यह हाइड्रो पंप भंडारण संयंत्रों में 6 गीगावाट, ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बहुत बड़ी परियोजना है 6 गीगावाट की बिजली का भंडारण करेगा, जिसे ग्रीनको आंध्र प्रदेश के पिन्नापुरम में बनाया जा रहा है। ठीक है, लोकेशंस याद रखिए पिन्नापुरम में। और यह व्यवस्था उपयोगकर्ता उद्योगों और बिजली वितरण कंपनियों को 24 घंटे हरित ऊर्जा प्रदान करने में मदद करेगी। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। 15-16 फरवरी को आयोजित हुआ है भारत में संग्रहालयों की पुनर्कल्पना पर एक शिखर सम्मेलन। आपको बताओगे कि संस्कृति मंत्रालय ये शिखर सम्मेलन आयोजित कर रही है। 15-16 फरवरी 2022 तक भारत में संग्रहालयों की पुनर्कल्पना पर हैदराबाद में ये आयोजित किया जा रहा है वैश्विक शिखर सम्मेलन। लोकेशन इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पर आयोजित किया गया है, तो ये हैदराबाद में आयोजित किया गया है। इसका उद्घाटन पूर्वोत्तर क्षेत्र के संस्कृति पर्यटन और विकास मंत्री जी किशन रेड्डी द्वारा किया गया है और उन्होंने इसे संबोधित किया। ऑस्ट्रेलिया, UAE, UK आदि देशों ने इसमें प्रतिभाग किया है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। महाराष्ट्र में शुरू होगी होप एक्सप्रेस, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे के अनुसार राज्य में कैंसर की रोकथाम के लिए होप एक्सप्रेस शुरू की जाएगी। उन्होंने यह घोषणा कोल्हापुर के एक निजी अस्पताल में अत्याधुनिक मोजैक 3D रेडिएशन मशीन के शुभारंभ के मौके पर कही है। ठीक है, भारत में पहली ऐसी मशीन होगी। उन्होंने
गंदिक लॉज के हट्टार के अस्पताल में ऑनको प्राइमाइम कैंसर में सेंटर का ऑनलाइन उद्घाटन किया था, तब ये बात कही है। तो होप एक्सप्रेस क्या करेगी कि राज्य में कैंसर रोकथाम के लिए लोगों को अवेयर करेगी, ठीक है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। यस बैंक ने शुरू किया है यस बैंक एग्री इन्फिनिटी कार्यक्रम। यस बैंक के एक वार्षिक स्टार्टअप इनेबलर प्रोग्राम यस बैंक एग्री इन्फिनिटी शुरू करने की घोषणा की गई है। क्षेत्र में उद्यमशील उपक्रमों को सलाह देकर खाद्य और कृषि पारिस्थितिकी तंत्र के लिए डिजिटल वित्तीय समाधान का सह विकास करना चाहता है, इसलिए योजना शुरू की गई। चलिए अगले न्यूज़ देखते हैं। उत्पादन बढ़ाने के लिए मिलकर काम करेंगे अमेजन और एमएसएमई। तो न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एमएसएमई से रिलेटेड है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय और अमेजन देश में उत्पादन बढ़ाने और सस्ती कीमत पर गुणवत्तापूर्ण सामान को लोगों तक पहुंचाने के लिए मिलकर काम करेंगे। एमएसएमई मंत्री नारायण राणे ने अमेजन इंडिया प्लेटफॉर्म पर इंडिया ODOP यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट बाजार को लॉन्च करने के बाद इसकी घोषणा की है। अमेजन ने ODOP पहल का समर्थन करने के लिए एक ODP स्टोर भी लॉन्च किया है, ठीक है। भेल को मिला तेजस के साथ कॉम्पैक्ट हीट एक्सचेंजर सेट की आपूर्ति का ऑर्डर। तो भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने 83 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस MK-1A विमानों के लिए कॉम्पैक्ट हीट एक्सचेंजर सेट की आपूर्ति का ऑर्डर मिला है। विशाखापट्टनम में भेल का हैवी प्लेट्स एंड बेशल्स प्लांट 1996 से HAL की LCA तेजस के लिए हीट एक्सचेंजर्स का एकमात्र आपूर्ति करता है, ठीक है। वर्तमान में लिक्विड कूलिंग सिस्टम के विकास के लिए DRDO के साथ भी भेल काम कर रहा है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। डाबर पहली प्लास्टिक बेस्ड न्यूट्रल कंपनी बन चुका है। आयुर्वेदिक उत्पाद निर्माता डाबर भारत में 100% प्लास्टिक बेस्ड न्यूट्रल कंपनी बनी है, इसलिए न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर कंपनी को इस ओर मूव होना चाहिए। तो डाबर इस उपलब्धि को हासिल करने वाली पहली भारतीय उपभोक्ता वस्तु कंपनी बन गई है। डाबर ने 21-22 वित्तीय वर्ष में पूरे भारत से लगभग 27,000 मीट्रिक टन पोस्ट प्लास्टिक कचरे का संग्रह प्रसंस्करण पुनर्चक्रण किया। इसकी प्लास्टिक कचरा प्रबंधन पहल 2017-18 में शुरू की गई थी डाबर ने, और अब ये लक्ष्य अपना प्राप्त कर लिया है कि न्यूट्रल कंपनी बन गई है प्लास्टिक वेस्ट को, ठीक है। क्रिया मेडिकल टेक्नोलॉजीज़ को RT-PCR किट के लिए DCGI ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की मंजूरी मिल गई है। चिकित्सा उपकरण फर्म क्रिया मेडिकल टेक्नोलॉजीज़ को अपने उत्पाद क्राविदा नोवस के DCGI से एक विनिर्माण लाइसेंस प्राप्त हो चुका है। यह एक RT-PCR किट है जो 45 मिनट में ओमिक्रॉन वेरियंट और उसके उपवंशों का पता लगाएगी, ठीक है। 150 रुपये कीमत इसकी अभी बताई जा रही है, और एंट्री पॉइंट स्क्रीनिंग के लिए एयरपोर्ट पर इसे लगाया जा सकता है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती जी की 198वीं जयंती 12 फरवरी को मनाई जाएगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक थे, आपको पता होगा कि उन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना करी थी, जिन्होंने वैदिक धर्म के सुधार आंदोलन का प्रचार किया। आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई थी। यह एक दार्शनिक और एक सामाजिक नेता थे जिन्होंने 1876 में स्वराज का भारतीयों के लिए भारत के रूप में आह्वान किया था। दयानंद सरस्वती ने 60 से अधिक पुस्तकें लिखी हैं। उन्होंने प्रमुख विविधतापूर्ण कार्यों में एक सत्यात प्रकाश है, जिसका अर्थ है सत्य का प्रकाश, बहुत ही फेमस पुस्तक है इनकी। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और पॉसिबल है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन पहले से मिल सके, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक वीडियो पहुँच सके। जनवरी में कोयला उत्पादन रिकॉर्ड 6.13% बढ़कर 79.60 मिलियन टन हो गया है। कैप्टिव कोयला ब्लॉकों के उत्पादन में 45% की वृद्धि हुई है, और कोयला आधारित विद्युत उत्पादन जनवरी में 9.2% बढ़ा है, ठीक है। कोयला मंत्रालय द्वारा जानकारी दी गई है कि देश का कोयला उत्पादन 2020 की तुलना में 6.13% बढ़कर 79.60 मिलियन टन हो चुका है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। छोटे प्याज जिसे शैलॉट बोला जाता है, छोटे प्याज को बोला जाता है शैलॉट, पहले तो इम्पॉर्टेंट यही है कि समझें छोटा प्याज क्या होता है, शैलॉट छोटे प्याज को बोला जाता है। तो इसके निर्यात में 2013 से 487% की वृद्धि के साथ सर्वकालिक ऊंचाई पर पहुंच गया है। अनानास के निर्यात में 2013 के बाद से 100% की वृद्धि दर्ज की गई है। भारत का वस्तु निर्यात जनवरी 2022 में लगभग $336 बिलियन तक जा पहुँचा है। सरकार ने निर्यात की वृद्धि में और तेजी लाने के लिए कई अभिनव कदम उठाए गए हैं, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट सबसे ज़्यादा ये है, 100% की वृद्धि अनानास के क्षेत्र में हुई है।
अगला, थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति में गिरावट आई है। जनवरी 2022 के लिए भारत में थोक मूल्य सूचकांक की संख्या जारी की गई है, ठीक है। जनवरी 2021 की तुलना में जनवरी 2022 के दौरान मुद्रास्फीति की वार्षिक दर 12.96% रही। यह नवंबर 2021 के 14.87% तथा दिसंबर 2021 के 13.56% से निरंतर गिरावट है, इसलिए कहा गया है कि गिरावट दर्ज की गई है। जनवरी 2022 में पिछले वर्ष की अवधि की तुलना में मुद्रास्फीति की ऊंची दर मुख्य रूप से खनिज तेल, कच्चे पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस, मूल धातुओं, रसायनों तथा रासायनिक उत्पादों, खाद्य सामग्रियों आदि की कीमत में वृद्धि के कारण हुई है। चलिए अगले न्यूज देखते हैं। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग और जापान की अर्थव्यवस्था व्यापार और उद्योग मंत्रालय ने भारत में जापानी औद्योगिक टाउनशिप के तहत प्रगति की संयुक्त समीक्षा की है। सभी जापानी औद्योगिक टाउनशिपों में एक समय 114 कंपनियां काम कर रही हैं। भारत का पांचवा सबसे बड़ा निवेशक जापान ही है। 14 सेक्टरों के अन्य उत्पादन युक्त प्रोत्साहन यानी कि PLI योजना की घोषणा असंख्य जापानी कंपनियों से आवेदन प्राप्त हुए हैं, ऐसा बताया गया है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। केंद्र सरकार ने 12 जनवरी 2022 से कच्चे पाम तेल के लिए कृषि उपकर को 7.5% तक घटाकर 5% कर दिया है। आपको पता होगा कि केंद्र सरकार ने पाम ऑयल नीति को जारी किया था ताकि पाम ऑयल को बढ़ावा दिया जा सके उसके उत्पादन को भारत में, क्योंकि हमें बहुत सारा पाम ऑयल इम्पोर्ट करना पड़ता है, तो उसी को रोकने के लिए और भारत में बढ़ावा देने के लिए पाम ऑयल को ये स्कीम शुरू की गई थी। केंद्र कृषि उपकर में कमी होने के बाद कच्चे पाम तेल और रिफाइंड पाम ऑयल के बीच आयात कर अंतर 8.25% हो गया है। तो आप सोच सकते हैं कि स्थानीय उत्पादनकर्ताओं को इससे कितना बड़ा फायदा मिलेगा। रिफाइनिंग के लिए कच्चे तेल के आयात से घरेलू रिफाइनिंग उद्योग को लाभ पहुँचाने हेतु यह निर्णय लिया गया है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। रॉयल नेवी ऑफ ओमान के कमांडर भारत की यात्रा पर आ रहे हैं, जैसे कि बताया था। तो ये आर्मी हरि कुमार ने साउथ ब्लॉक के भव्य लॉन में उनका स्वागत किया और ये आज राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की है इन्होंने। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। शहरी अनुदान निकाय के लिए 1154 करोड़ रुपये जारी करने की फिर चर्चा चल रही है। इसमें स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और आवास में शहरी कार्य मंत्रालय ने विकसित स्टार रेटिंग प्राप्त करने के लिए निर्धारित किया गया था 9 मिलियन प्लस सिटीज़ के लिए। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। ABMJAY के कार्यान्वयन के लिए, मतलब डेटाबेस को सम्मिलित करने के उद्देश्य से विभिन्न योजनाओं के तहत लाभार्थी डेटाबेस के साथ एकीकरण किया गया है। ABMJAY कार्यान्वयन के अनेक पहलुओं को मजबूत करने के लिए कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने वाला विभिन्न मंत्रालयों के साथ सहयोग कर रहा है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश लाभार्थी डेटाबेस एकीकरण के आवश्यक सहायता प्रदान कर रहे हैं, ठीक है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA, जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर शीर्ष ऑल इंडिया रेडियो लाइव स्ट्रीमों के लिए देश की नवीनतम न्यूज़ ऑन एयर ग्लोबल रैंकिंग से पता चलता है कि भारत की राजधानी से प्रसारित FM गोल्ड दिल्ली सहित ऑल इंडिया रेडियो की अनेक सेवाएं चीन में काफ़ी लोकप्रिय हैं। तो न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि ये ऑस्ट्रेलिया में भी लोकप्रिय है, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और चाइना में भी लोकप्रिय है। देश की रैंकिंग के अनुसार न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर ऑल इंडिया रेडियो लाइव स्ट्रीम जिन देशों में बहुत अधिक लोकप्रिय है उनमें ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, बाली आदि हैं। विश्व शीर्ष ऑल इंडिया रेडियो स्ट्रीमों में सबसे अधिक सुनी जाने वाली ऑल इंडिया रेडियो सेवा विविध भारती नेशनल ही है, ठीक है, विश्व में, भारत को छोड़कर। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 की धारा 31(a) के अनुसार सोना कंपनी PTE लिमिटेड के द्वारा सज्जन इंडिया लिमिटेड की इक्विटी शेयर पूंजी के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। चलिए आज के कुछ न्यूज़ देखिए हमने इम्पॉर्टेंट। वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।